हेलो एवरीवन सो हाय दिस इज सौरभ रैना इस वीडियो में मैं आपका स्मॉल एमसीक्यू का टेस्ट लूंगा याद रखना एग्जाम में जो सेक्शन ए है वो काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें 18 एमसीक्यूज सी क्यूज है और कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है तो उसमें मार्क्स कटने के काफी ज्यादा चांसेस हैं तो उसकी हमें प्रैक्टिस करनी है सो दैट्स वाई मैंने क्या किया एम टेस्ट वन बनाया हुआ है टोटल एटीन क्वेश्चन है जिसमें चार एजर्शन एंड रीजन क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे टाइम पीरियड होगा थर्टी मिनट्स आपको क्या करना है पीडीएफ मैंने कमेंट सेक्शन में डाला है तो पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करना है और आपको ये सॉल्व करना है मोस्टली थर्टी मिनट से कम टाइम में सॉल्व हो जाएगा ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट्स में उसके बाद सेक्शन के इसी वीडियो के अगले पार्ट पे मैंने क्या डाला होगा सारे सोल्यूशन डाले होंगे आंसर तो आपको करेक्शन करना है और मुझे बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में कि आपके एटीन में से कितने मार्क्स आए और अगर आपका कोई भी आंसर गलत हो जाता है तो आगे मैंने इसी वीडियो में डिटेल सोल्यूशन बनाया हुआ है तो आप चेक कर सकते हो तो अभी जाओ कमेंट सेक्शन से पीडीएफ डाउनलोड करो और मुझे जरूर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए अब हम बात करेंगे आंसर की आई होप आप सब लोगों ने टेस्ट लिखा हुआ है ठीक है तो ये है हमारे सारे आंसर फर्स्ट का सी पार्ट है सेकंड का ए थ्री का डी है फोर्थ का डी फिफ्थ का सी सिक्स का ए सेवंथ का एट्थ का सी नाइन्थ का सी टेंथ का डी इलेवंथ का ए ट्वेल्थ का ए थर्टीन का ए फोर्टीन का ए फिफ्टीन का सी सिक्सटीन का ए सेवनटीन का बी एंड एटीन का बी तो करेक्शन करके जरूर मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में मैं डिटेल में ये समझाऊंगा हर एक क्वेश्चन एम सी यू टेस्ट नंबर वन के हम सोलूशन की बात करेंगे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एंड याद रखना जो ग्लूकोज है एसिटिक एंड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा क्या बना देता है ग्लूकोस पेंटा एसिटेट ठीक है तो पेंटा एसिटेट बनता है वो इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ फाइव ओ एच ग्रुप तो इसके वजह से क्या होता है जो एस ऐस, जो एस्टिक एनहाइड्रेट है ग्लूकोज के पांच ओ एच के साथ रिएक्ट करके पेंटा एसिटेट बनाता है तो ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर एज ए ट्रांजिशन मेटल तो याद रखना जिंक को हम ट्रांजिशन मेटल कंसीडर नहीं करते क्योंकि क्या होता है इसके डी में होते हैं टेन इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है थ्री डी टेन फोर एस टू तो नॉर्मल स्टेट एंड इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इसका थ्री डी ऑर्बिटल है वो हमेशा कंप्लीटली फिल्ड रहता है सो so ये ट्रांजिशन मेटल नहीं कंसिडर करते हैं इसे हम नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की द रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन टू रिएक्टेंट्स ए एंड बी डिक्रीज बाय फोर फैक्टर द कंसेंट्रेशन ऑफ बी इज डबल सपोज हमें दिया हुआ है रेट इज इक्वल टू के कंसेंट्रेशन ऑफ ए रेस टू पार एक्स बी रेस टू पार वाई इन्होंने क्या बोला रेट डिक्रीज हो जाएगा फोर फैक्टर रेट बन जाएगा वन बाई फोर के ए रेस टू पार एक्स जब आप कंसेंट्रेशन ऑफ बी को क्या कर दो डबल बी रेस टू पार वाई ठीक है तो अकॉर्डिंग हमें वाई फाइंड करना है ठीक है हमें बताना ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी तो हम इक्वेट कर लेंगे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं जब टू रेस टू पार वाई इज इक्वल टू वन बाय फोर ठीक है और ये वाई कितना होगा अगर टू रेस टू पार कुछ लाना है तो वन बाय फोर बनाने के लिए तो वाई शुड बी इक्वल टू माइनस टू तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी तो इसमें क्या हो रहा है कंसेंट्रेशन जब आप बी की इंक्रीज कर रहे हो तो रेट क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विट नॉट यील्ड फिनॉल सबसे पहले क्लोरोबेंजीन बेंजीन एन एच के साथ रिएक्ट करेंगे हीट करेंगे तो हमारा सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा इसमें और जब हम H प्लस के साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारा इसमें क्या बन जाएगा फिनॉल बन जाएगा ठीक है तो पहले में फिनॉल बन रहा है सेकेंड वाले रिएक्शन एन ए एन टू एच सी एल में भी क्या होता है हमारा सबसे पहले बनता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और जब वाटर के साथ वार्म करते हैं तब भी इसमें क्या बन जाता है हमारा फिनॉल बन जाता है थर्ड रिएक्शन में अगर ओलियम आप यूज़ करते हो विच इज़ बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है हमारा इसको भी आप एन के साथ जब आप हीट करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड तब हमारा फिनॉल बन जाता है तो पहले तीनों रिएक्शन में हमारा फिनॉल बनता है वेयर एज जो लास्ट रिएक्शन है उसमें एन रूम टेम्परेचर पर लिया तो एन रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा तो फोर्थ रिएक्शन में आपका फिनॉल नहीं बनेगा दैट इज़ द करेक्ट आंसर फिफ्थ क्वेश्चन की बात करेंगे इफ द स्टार्टिंग अमाइड हैज फोर कार्बन आइटम्स एंड द अमाइन दट इज फॉर्मड हैजली थ्री कार्बन आइटम्स कॉड सपोज हमारे पास कंपाउंड है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी ओ एन एच टू इसमें चार कार्बन आइटम है और आपको अमाइन बनाना CH3, CH2, CH2, Number of carbon decrease है इससे सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एन एच टू नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो रहे हैं तो हम यूज़ कर सकते हैं सी रिएक्शन विच इज हॉफ मैन रोमेड अमाइड डिग्री आर टू को हम रिएक्ट कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एन एस तो एज रिजल्ट क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन हमारे डिक्रीज हो जाएंगे एक कार्बन डिक्रीज और हमारा लेस कार्बन वाला अमाइन बन जाएगा सिक्स क्वेश्चन है कैनिजारो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय सबसे पहले कैनिजारो रिएक्शन वो कंपाउंड देते हैं जिसमें देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता वो कैनिजारो रिएक्शन देते हैं सो इट विल नॉट बी गिवन बाय कंपाउंड जिनमें क्या है अल्फा हाइड्रोजन ठीक है तो अगर हम बात करेंगे इथेनल की इसमें देर इज़ प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा तो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट है बाकी कंपाउंड को भी देख लेंगे बेंजल डिहाइड में भी अगर आप देखोगे सी एच ओ के साथ जो कार्बन है देर इज नो अल्फ़ा हाइड्रोजन तो ये कैनिजारो रिएक्शन देगा सी वाला कंपाउंड में क्या है सी एच ओ के साथ वाले कार्बन में ऑलरेडी चार बॉन्ड है सो देर इज नो अल्फ़ा हाइड्रोजन वेयर एज फॉर्मल डिहाइट में भी देर इज़ नो अल्फ़ा हाइड्रोजन तो फर्स्ट वाला कंपाउंड विल नॉट शो कैन इज आर रिएक्शन वेर एज अदर थ्री विल शो द कैन इज आरो रिएक्शन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर एट की द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन टू ए प्लस बी रिजल्ट इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट वॉज फाउंड टू बी टू पॉइंट फाइव टेन इज पर माइनस फाइव लीटर्स पर मोल पर सेकंड आफ्टर फिफ्टीन सेकंड एंड टू पॉइंट सिक्स इंटू टेन्स पर माइनस फाइव लीटर पर बोल पर सेकंड आफ्टर फिफ्टी सेकंडर ऑफ द रिएशन तो याद रखना सबसे पहले जो रेट कांस्टेंट है उसकी जो वैल्यू है वो टाइम से चेंज नहीं होती वैल्यू तो सेम दी हुई है दोनों जगह तो हमें कैसे पता चलेगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन तो हम देख सकते हैं यूनिट से तो यूनिट अगर आप देखोगे ये है लीटर पर मोल पर सेकेंड और हमें याद होना चाहिए ये जो यूनिट होते हैं ये होते हैं हमारे सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो इसका आंसर ए विल बी करेक्ट आंसर एथ क्वेश्चन की बात करेंगे Proteins are found to have two different type of secondary structure alpha helix and beta pleated alpha helix structure is stabilized by तो याद रखना ये दोनों स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट दोनों स्टेबलाइज करते हैं बाय हाइड्रोजन बॉन्ड नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की यूज द डाटा गिवन बिलो एंड फाइंड आउट द मोस्ट स्टेबल आयन इन द रिड्यूस्ड फॉर्म ठीक है इसमें सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और पूछा सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में कौन प्रेजेंट है इन दिट्स रिड्यूस फॉर्म रिडक्शन के बाद तो याद रखना जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा सबसे ज्यादा होगा ठीक है उसमें रिडक्शन क्या होगा उसमें जो रिडक्शन है दैट विल प्री डोमिनेट प्रीडोमिनेट मतलब उसमें रिडक्शन ईजिली हो पाएगा और वो अपनी सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट पे रहेगा तो अगर आप इन सब में देखोगे तो एम एन ओ फोर नेगेटिव टू एम एन टू प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है सो एज ए रिजल्ट जो एम एन टू प्लस है वो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है क्वेश्चन नंबर टेन की बात करेंगे द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट शुड बी प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट तो याद रखना कार्बोहाइड्रेट होते हैं पॉलीहाइड्रॉक्सी एलडीहाइड एयर कीटोन ठीक है और मिनिमम नंबर कितना होना चाहिए तो याद रखना मिनिमम नंबर ये थ्री से शुरू होते हैं ठीक है सो थ्री इज द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन दैट शुड बी प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर इलेवन की ड्यूरिंग इलेक्ट्रिस ऑफ वाटर द मोलर रेशियो ऑफ एच टू एंड ओ टू फॉर्म टू बी तो अगर आपने वाटर की क्या किया डिसोसिएशन किया है सपोज टू मोल्स लिया हुआ है तो हमारा बन जाता है टू मोल्स ऑफ एच टू प्लस ओ टू ठीक है तो जो ये रेशियो में रिलीज होगा दैट इज टू इज टू वन नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है ऑन डिजोल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील कोल्ड फील कोल्ड का मतलब रिएक्शन क्या होगी हमारी एंडोथर्मिक होगी ठीक है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसोल्यूशन ऑफ शुगर विल बी मोर रैपिड ठीक है तो सपोज अगर आप क्या कर रहे हो एंडोथर्मिक रिएक्शन कर रहे हो तो याद रखना टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन जाता है हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्व ईसली हो जाता है तो हम हॉट वाटर लेंगे साथ में अगर आपने क्या लिया हुआ है शुगर को पाउडर फॉर्म में तो पाउडर फॉर्म में क्या होता है सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है एज रिजल्ट वो ईजिली डिजॉल्व हो जाएगा सो पाउडर शुगर इन हॉट वाटर इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टीन ए रिडक्शन इन एटॉमिक साइज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है ये आपको दिखता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में याद रखना इसमें क्या होता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है साइज डिक्रीज हो जाता है कॉन्ट्रैक्शन होती है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन क्वेश्चन है विच ऑफ़ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सीम पी के वैल्यू याद रखना पी के ए वैल्यू होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ के तो हमें पूछा है कौन सा यहाँ पे लीस्ट एसिडिक है ठीक है एल्कोहल की बात करें सपोज हमारे पास प्राइमरी अल्कोला सी एच थ्री ओ एच सेकेंड्री एल्कोला सी एच थ्री सी एच सी एच थ्री ओ एच या हमारे पास क्या है टर्सि अल्कोला सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री ओ एच ठीक है अब याद रखना जो सी एस टी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है प्राइमरी में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा सेकेंडरी में दो टर्शरी में क्या होते हैं तीन होते हैं तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करता है एज ए रिजल्ट क्या होता है पोलैरिटी क्या होती है डिक्रीज होती है पोलैरिटी डिक्रीज होने से एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होती है डिक्रीज होती है तो याद रखना जो टर्शरी एल्कोहल होते हैं वो सबसे ज्यादा क्या होते हैं उसकी पी वैल्यू हाई होती है और उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कम होती है तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है अगर आप देखोगे जिस कार्बन के साथ ओ एच जुड़ा हुआ है वो टर्शरी है तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन हमें एजर्शन दिया हुआ है नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनॉल दिया हुआ है इस मोर एसिडिक देन द पैरा मिथाइल फिनॉल ठीक है सबसे पहले याद रखना जो नाइट्रो होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है पोलैरिटी इंक्रीज करता है एज ए रिजल्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है वेर एज सी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है पोलैरिटी डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है तो हमारा पैरा नाइट्रो पैरानाइट्रोफिनोल विल बी मोर एसिडिक एजर्शन हमारा करेक्ट है रीजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजिंग एसिडिटी वेर वाइल इलेक्ट्रॉन विड ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी तो ये हमारा रीज़न गलत दिया हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ वो क्या करते हैं वो डिक्रीज करते हैं वेर एज इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ एजर्शन करेक्ट है रीजन फॉल है, है तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के एजर्शन दिया हुआ है ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एच इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स विद आयरन स्केल एंड एच इन पेंस ऑफ स्टीम तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है ठीक है सपोज आपके पास नाइट्रो कंपाउंड है आर एन ओ टू ठीक है तो हम क्या करते हैं आयरन स्केल्प लेते हैं इन पेंस ऑफ एच सी एल तो हमारा आर एन एच टू बन जाता है ठीक है अगर हम क्या लें इसमें एच सी एल स्मॉल क्वांटिटी में भी लें तब भी रिएक्शन हो सकता है एजन करेक्ट है रीजन क्या दिया हुआ है एफ ई सी एल टू फॉर्म गेट हाइड्रोलाइज टू रिलीज एच सी एल ड्यूरिंग द रिएक्शन तो इसमें क्या होता है जब एफ ई एच सी एल के साथ रिएक्ट करता है ना ठीक है तो एफ ई एच सी एल के साथ रिएक्ट करके हमारा बनाता है एफ ई सी एल टू प्लस हाइड्रोजन ठीक है ये जो हाइड्रोजन है ये तो यूज हो जाता है हमारा रिडक्शन में मेरा जो एफ ई सी एल टू है ठीक है करता है वाटर के साथ ये हाइड्रोलाइज हो जाता है हमारा बनाता है एफ ई ओ प्लस एच सी एल तो ये जो एच सी एल बना है ये आप वापस इस रिएक्शन में क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो तो दैट्स वाई रिएक्शन में हम एच सी एल कम क्वांटिटी में लेते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर ए वेयर एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की एजर्शन दिया द कॉम्प्लेक्स आइन ट्रांस सी ओ एंड सी एल टू प्लस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव तो याद रखना एक करेक्ट है जो ट्रांसफॉर्म है इसकी अगर हम ट्रांसफॉर्म बनाए ऑक्टा कॉम्प्लेक्स है सी एल सी एल ई एन ई एन ठीक है और अगर हम इसकी क्या बनाएंगे मिरर इमेज तो याद रखना मिरर इमेज हमेशा सेम बनता है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है रीजन दिया हुआ है इट इज़ एन ऑक्टा कॉम्प्लेक्स रीज़न का स्टेटमेंट तो करेक्ट है बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ये रीज़न एजर्शन का क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए था क्योंकि इसकी जो मिरर इमेज है वो क्या होता है सुपर इम्पोजिबल होता है तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की दिया हुआ ट्रांजिशन मेटल आर गुड कैटलिस्ट रीजन दिया हुआ है वी टू ओ फाइव प्लेटिनम इज यूज इन प्रेपरेशन ऑफ एस टू एस ओफोर बाय कॉन्टेक्ट प्रोसेस एजर्शन करेक्टर ट्रांसमिशन मेटल्स गुड कैटलिस्ट होते हैं और गुड कैटलिस्ट इसलिए होते हैं क्योंकि इनके क्या होता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है इसलिए वो क्या होते हैं गुड कैटलिस्ट रीजन दिया हुआ is used in preparation of by contact process. है वी टू ओ फाइव पीटी इज यूज इन प्रेपरेशन ऑफ एच टू एस ओ फोर बाई प्रोसेस रीजन का स्टेटमेंट करेक्ट है बट एक्सर्शन की करेक्ट रीजन नहीं दिया हुआ है रीजन करेक्ट होना चाहिए था बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ